क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, और दूसरा है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक एक को समझेंगे। पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर प्लेट पे डालें तो क्या होगा, और उसकी वर्ड इक्वेशन भी हमें लिखनी है, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या होगा आंसर। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट द कॉपर मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर क्या करेगा, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब आप उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर ब्लूइश होने लगेगा, मींस वो कॉपर सल्फेट बनाने लग रहा है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। इसकी हमारी रिएक्शन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, कॉपर, कॉपर हमने यहाँ पर कॉपर का क्या फॉर्मूला है, Cu, कॉपर किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है आपका H2SO4, H2SO4 क्या है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स क्या बनेगा हमारा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 प्लस इसके अलावा H2 हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज होगी। ओके, तो ये हमारे इसकी वर्ड इक्वेशन हो गई। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, इसको मुझे याद आ रहा है आप लोगों ने क्लास 7 में भी ये एक्टिविटी की थी, क्या होगा इसमें, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेस कॉपर एंड मेक आयरन सल्फेट कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। आपने जब लास्ट ईयर पढ़ा था तब क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें आपने कुछ आयरन नेल्स डाल दी, लोहे की कील डाल दी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है उसका ब्लूइश कलर चला गया, क्या हुआ था उसमें, उसमें आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, अब हमको पता चल रहा है, इसलिए किया क्योंकि आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेस कॉपर एंड मेक आयरन सल्फेट, उसने कॉपर को हटा करके क्या कर दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो गया, अब आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर आकर के जो आयरन की नेल्स थी उनके ऊपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। फॉर्मूला हमारा क्या है इसका, Fe कॉपर हमारा, सॉरी जो हमारा आयरन है वो क्या हुआ, Fe जब हमारा कॉपर सल्फेट में हमने Fe मींस जो हमारी आयरन नेल्स हैं उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो Fe ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को हटा दिया तब क्या हो गया, Cu हट गया तो वहां पर Fe ने अपनी जगह बना ली, तब क्या बन गया, ये बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर अलग से आपको आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट फॉर्म में मिलेगा।